नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं वीरजी मेघवंशी, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से महाराष्ट्र राज्य के पुणे जंक्शन तक चलने वाले दक्कन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या, कोच पोजिशन, किराया और टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। यह ट्रेन महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से पुणे जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 11007। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है पुणे से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसका नंबर है 11008। इस ट्रेन को दक्कन एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन ट्रेन नंबर 12051 और ट्रेन नंबर 12052, जो कि मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से मडगांव तक चलती हैं, उस जन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ अपने रेक शेयर करती हैं। यह ट्रेन मुंबई से पुणे तक 190 किलोमीटर अंतर 4 घंटे और 5 मिनट में तय करती हैं। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 46 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 100 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को मेल या फिर नॉन सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन मुंबई से सप्ताह में 7 दिन पुणे के लिए डिपार्ट होती है। इस ट्रेन को मुंबई से पुणे तक ले जाने के लिए अजनी लोको शेड का WFE-7 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 16 कोच लगते हैं, जिनमें AC चेयर कार के 3, सेकंड सीटिंग के 10, विस्टाडोम 1 और UG का 1 कोच शामिल रहता है। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें मुंबई से पुणे तक का सेकंड सीटिंग का किराया रहता है 90 रुपया, जिनमें बेस किराया और रिजर्वेशन चार्ज शामिल हैं। AC चेयर कार का किराया रहता है 330 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज और GST शामिल है। इस ट्रेन में बच्चे और सीनियर सिटीजन को कंसेशन दिया जाता है। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या, कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन 11 स्टेशनों पे रुकती है और 66 इंटरमीडिएट स्टेशन को पार करती है। इस ट्रेन की जर्नी महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से सुबह 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 8 से शुरू होती है। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज रहता है दादर सेंट्रल। दादर सेंट्रल स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 7:11 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:13 पर रवाना हो जाती है थाने स्टेशन के लिए। थाने स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 7:33 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:35 पर रवाना हो जाती है कल्याण जंक्शन के लिए। कल्याण जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:53 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:55 पर रवाना हो जाती है नेरल जंक्शन के लिए। नेरल जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 8:24 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 8:25 पर रवाना हो जाती है करजत जंक्शन के लिए। करजत जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 8:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 8:43 पर रवाना हो जाती है लोनावाला स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करजत जंक्शन पर अपनी यह जो ट्रेन है टेक्निकल होल्ड के कारण रुकती है, जिनमें अपनी इस ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव अटैच होता है। लोनावाला स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 9:41 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:43 पर रवाना हो जाती है तलेगांव स्टेशन के लिए। लोनावाला स्टेशन पर अपनी इस ट्रेन का बैंकर लोकोमोटिव डिटैच होता है। तलेगांव स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:09 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 10:10 पर रवाना हो जाती है खड़की स्टेशन के लिए। खड़की स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:34 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुँचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 10:35 पर रवाना हो जाती है शिवाजी नगर स्टेशन के लिए।
शिवाजी नगर स्टेशन पर यह ट्रेन सुबह 10:44 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 1 मिनट के होल्ड के बाद 10:45 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। इस ट्रेन का आखिरी मंजिल स्टेशन रहता है पुणे जंक्शन। पुणे जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 11:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ ट्रेन मुंबई से पुणे तक तकरीबन 190 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊँ तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, ऑनबोर्ड और एक कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।